यह बजरंग बाण जो जापे तासो भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा दाके तन रही रहे कलेसा ताके तन नहीं रहे कलेसा। रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी है, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी है। शिव जी ने विश्वान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल दिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। अनुराग द्विवेदी सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार की खुशी के उपलक्ष्य में ये भंडारा हो रहा है। हमें चारों अभी इस बार तो 303 सीटें आई हैं, अगली बार 403 सीटें आई और हम लोग भव्य और सुंदर और बहुत बड़ा भंडारा करें। भंडारे के विष्णु कुमार मोदी पूर्वांचल प्रसिद्ध गंगा कल्याण समिति अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष होते हैं भारतीय जनता पार्टी। एक जेठ का बड़ा मंगल तो है ही है, उसके खुशी में और राजनाथ सिंह की पूर्ण बहुमत पूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतने की खुशी में ये भंडारा किया जा रहा है और हम लोग इसे पटरी दुकानदार की समस्या जो है वो नगर निगम निपटाना नहीं चाहते। अभी हम लोग 22 मई को हम लोग कोर्ट से जीत करके आए हैं और ये आदेश किया गया था कि दो पेपरों में जारी करके और इन लोगों का पंजीकरण करें, लेकिन नगर निगम जो कर रही है वो अपने मन मौजूद कर हाई कोर्ट को सुनती है ना उनका जो आज अभी नगर निगम हाँ वो नगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हो रहा है उसकी खुशी में हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सुंदर कांड किया और प्रसाद वितरण के अवसर पर जो मुख्य अतिथि हमारे आए थे मुकेश शर्मा जी भंडारा का इसके क्या उद्देश्य भंडारे का उद्देश्य समाज सेवा भंडारे का उद्देश्य है जो प्रचंड बहुमत से हमारी भाजपा सरकार थी उसी की खुशी में भंडारा कराया जा रहा है। माननीय जी हमारे जीते हैं रिकॉर्ड मतों से राजनाथ जी, उसी को उपलक्ष्य में भंडारा है। आज के कार्यक्रम आपके जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? मुख्य अतिथि हमारे नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी आए थे, राजमंत्री दर्जा प्राप्त सुधाकर त्रिपाठी जी आए थे और अशोक वाजपेयी सांसद राज्यसभा सदस्य उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था आए हैं और सुंदरकांड में सम्मिलित हुए आर्थिक प्रसाद। आपके द्वारा क्या कोई अन्य कार्य किए जाते हैं? हाँ बहुत से कार्य किए जाते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, जागरण भी हर साल कराते हैं और जिनकी जो समस्याएं होती हैं आज की डेट में पटरी दुकानों के दारों की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? उसका भी निराकरण हो रहा है, लाइसेंस का फॉर्म भर के और उनको वेंडर जोन के तहत लाइसेंस दिए जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है नगर निगम में।